सभी को डॉक्टर राजीव रंजन का नमस्कार। आज मैं बताऊंगा गठिया और ऑटोइम्यून बीमारियों की सबसे सेफ दवाई के बारे में। ये दवाई गठिया को धीरे धीरे 6 से 12 हफ्तों में कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट होते हैं और फायदे कई होते हैं। गठिया और ऑटोइम्यून बीमारियों को कंट्रोल तो करता ही है, साथ साथ में इसके दूसरे फायदे भी बॉडी पे है, जो कि मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। और ये दवा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो चलिए जानते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में, कब लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, क्या फायदे हैं या क्या साइड इफेक्ट होते हैं और क्या ख्याल रखना है अगर आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवा ले रहे हैं तो। ये दवा एक डीमार्ड है, कहने का मतलब डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग है। ये पेन किलर नहीं है, ना ही ये स्टेरॉयड है। ये अर्थराइटिस और ऑटोइम्यून बीमारियों में यूज करने वाली बहुत ही कॉमन दवाई है, जो अर्थराइटिस ऑटोइम्यून बीमारियों को धीरे धीरे 6 से 12 हफ्तों में कंट्रोल करती है। इसका जो ये टैबलेट फॉर्म में आता है और ओरली लिया जाता है। यूजुअली हम बोलते हैं कि इसको शाम को या रात में लेना चाहिए। इससे जो इसका एक साइड इफेक्ट होता है, पिगमेंटेशन होना या फोरहेड या आपके चेहरे पे थोड़ी ब्लैक ब्लैक पिगमेंट आती है, उससे आप बच सकते हैं। क्योंकि ये दवा लेके अगर आप सन एक्सपोजर में रहें, धूप में बैठें, तो थोड़ा पिगमेंटेशन होने के रिस्क ज्यादा होते हैं। इसके फायदे क्या हैं? फायदा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अर्थराइटिस को कंट्रोल स्लोली करता है। ये एक इम्यूनो सप्रेसेंट नहीं है, मतलब कि आपकी इम्यूनिटी को कम नहीं करता है। जो आपकी इम्यूनिटी अपनी ही बॉडी को डैमेज कर रही होती है, तो उसको सही ट्रैक पे लाता है। इसके साथ साथ ल्यूपस की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है। ल्यूपस में स्किन में, ज्वाइंट में, मसल में जो प्रॉब्लम होती है उसको कंट्रोल करता है। साथ साथ आपका जो किडनी डैमेज होता है ल्यूपस में, उसको भी बचाता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी ऑटोइम्यून बीमारियां जैसे कि सोग्रेन सिंड्रोम, मायोसाइटिस या स्क्लेरोडर्मा, उसमें भी ये इस्तेमाल किया जाता है। अर्थराइटिस और ऑटोइम्यून बीमारियों के साथ साथ दूसरे भी फायदे हैं। पहला, शुगर को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, इन्फ्लामेशन भी कम करता है। एंटी थ्रोम्बोटिक है, मतलब कि आपकी जो खून की नलियों का जो रक्त प्रवाह है वो जो बंद हो जाता है उसको भी बंद नहीं होने देता है। लॉन्ग टर्म में हार्ट के जो बीमारियां हैं, हार्ट अटैक है जो गठिया में होता है, उसको भी कंट्रोल करता है। ये बार बार अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसको भी बचाता है। साथ साथ में ये बोन के डैमेज को भी बचाता है। तो बहुत सारे इसके फायदे हैं। चलिए जानते हैं कि साइड इफेक्ट अब इसके क्या है। जो कॉमन साइड इफेक्ट हम बोलते हैं कि नौजिया हो सकता है, अगर आप शुरुआती दर में कुछ दिन टैबलेट ले रहे हैं तो पहली बार नौजिया या थोड़ा लूज मोशन फील कर सकते हैं। कान में थोड़ी सी कुछ आवाज आ सकती है, जिसको हम टिनिटस बोलते हैं। हल्का सा हेडेक हो सकता है। तो ये कॉमन साइड इफेक्ट है। इसके साथ जो सीरियस साइड इफेक्ट हम बोलते हैं, वो है रेटिना डैमेज। अगर आप 5 साल से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1% में, लगातार 5 साल लेने के बाद 1% लोगों को रेटिना की प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हम बीच बीच में एनुअल चेकअप बोलते हैं कि आप आई स्पेशलिस्ट से अपने रेटिना का भी जांच करवा लिया कीजिए। इसके साथ साथ इसके साथ हाइपर पिगमेंटेशन होता है, मतलब कि आपका जो स्किन कलर है धीरे धीरे ब्लैकिश हो सकता है, लेकिन बहुत कॉमन और नहीं है, ये कुछ लोगों में ही देखा जाता है। अगर कोई भी आपको साइड इफेक्ट हो तो जरूर अपने रूमेटोलॉजिस्ट और अर्थराइटिस के डॉक्टर को बताना चाहिए। खुद से ये दवाई नहीं बंद करनी चाहिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके फायदे बहुत ही ज्यादा हैं, साइड इफेक्ट्स बहुत ही मिनिमम है। इसीलिए इसको हम मोस्ट सेफ ड्रग ऑफ अर्थराइटिस और ऑटोइम्यून डिजीज भी बोलते हैं। सो आशा करता हूं ये जो बेसिक जानकारी मैंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में आपको दी, आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो ये वीडियो लाइक करें, मेरे इस मेडिग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे अर्थराइटिस और ऑटोइम्यून बीमारियों के बारे में जो फैक्ट्स हैं, जो साइंटिफिक एविडेंस है, जो रिसर्च है, वो मैं बताते रहता हूं। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।